नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आपका। मैं हूं राजेश शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। दैनिक भास्कर का अपडेट है, खरगोन 23/12/2023 का ऑफिशियल अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। अतिथि शिक्षकों की सेवाएं स्कूलों में अनुबंध के अनुसार रखी जाएं जारी, और यहां पर लगातार मध्य प्रदेश के समस्त जिले के अतिथि शिक्षक परेशान हैं। 20 सत्र में उनको निकाला जा रहा है, आखिर 14 वर्ष काम करने के बाद नतीजा शून्य मिला है दोस्तों। और इसी को लेकर DPI के चक्कर लगा रहे हैं, जिला शिक्षा अधिकारी के चक्कर लगा रहे हैं, कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं। आखिरकार क्या किया जाए, निर्णायक क्या होगा जिससे कि इनका रोजगार बचा रहे। जल्दी ही DPI का आदेश आए और इनके लिए समायोजन वर्ग 3 में जो पद रिक्त हैं वहां पर नए अतिथि शिक्षकों की भर्ती ना करके इन लोगों को ही रखा जाए। अतिथि शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल ने विधायक को ज्ञापन सौंपा है, और यहां पर भास्कर संवाददाता आप देख सकते हैं, अध्यापन कार्य से अकारण पृथक किए गए बेड़िया संकुल के अतिथि शिक्षकों ने शुक्रवार को विधायक सचिन बिरला के सामने अपनी परेशानी रख अध्यापन कार्य जारी रखने की अनुमति प्रदान करने की मांग की है। अतिथि शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल ने विधायक को एक ज्ञापन सौंपा। अतिथि शिक्षक संघ के अंकुर जोशी ने बताया, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल के दौरान महापंचायत का आयोजन कर घोषणा की थी कि अतिथि शिक्षकों को पूरे वर्ष के लिए अध्यापन कार्य के लिए अनुबंधित किया जाएगा, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर बेड़िया संकुल के अतिथि शिक्षकों को अध्यापन कार्य से पृथक कर दिया है। उच्च पद प्रभार में आए शिक्षकों के कारण हटाया जा रहा है, इसके कारण अतिथि शिक्षकों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। प्रतिनिधि मंडल ने विधायक से मांग करते हुए कहा है कि अतिथि शिक्षकों की सेवाएं वर्तमान में या समीपवर्ती स्कूलों में अनुबंध के अनुसार जारी रखी जाएं। इस पर विधायक ने उन्हें आश्वस्त किया है कि मध्य प्रदेश में नवीन मंत्रिमंडल के गठन के तत्काल बाद शिक्षा मंत्री से भेंट कर अतिथि शिक्षकों की समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाएगा। इस दौरान अतिथि शिक्षक संघ के आलम मंगवाने में निशा डोंगरे, कविता बेला, सोनू बेला, उपासना जोशी, जितेंद्र बेला, जितेंद्र झिल्ले भगवान बेला उपस्थित थे। तो ये है समस्त अतिथि शिक्षक जो कि प्रमोशन का शिकार हुए हैं मित्रों। और बाकी नए नए अपडेट पाने के लिए आप राजेश गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को जय श्री राम।